हेलो प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी खास पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाली है, जिसे सुबह की भागदौड़ लाइफ में बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इसे बनाने में जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस प्रकार से है। पनीर हमारा 200 ग्राम, फ्रोज़न मटर जो कि मैंने गर्म पानी में भिगो के धो लिए थे 1 कटोरी, 3 लाल टमाटर, 1 प्याज, 7-8 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच या 1 टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून ऑयल लगेगा। ऑयल खाना ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, तो हम कल कम ऑयल में ही कुकिंग करेंगे। मसालों में हमें नमक चाहिए, जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए, लाल कश्मीरी मिर्च चाहिए और धनिया पाउडर चाहिए और मेरा खास चीज़ जो मैं बताने वाली थी, खसखस, पॉपी सीड भी बोलते हैं, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इसका पाउडर बना करके फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि इसको बार बार पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, जैसे कि सभी जानते ही हैं, खसखस प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उनको नींद आने में ये मदद करता है। कब्ज़ की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ये हैंडल करता है, मतलब इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। जिनको सांस की दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, मैं बताना भूल गई। अब रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च और इनका पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्याज को रफली चॉप कर लेंगे। चॉप करने के लिए कोई ज़्यादा चाकू चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली चॉप कर लेंगे चॉपिंग बोर्ड पर। और उसके बाद हम ग्राइंडर में प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम आगे की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं मिक्सी चलाने जा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। मसाला मेरा पिस गया है, गैस ऑन करेंगे। कुकर में थोड़ा तेल डालेंगे, जो मैंने बताया था 2 टेबलस्पून तेल डलेगा इसमें। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डाल देंगे। इसमें तेल गर्म होने के बाद हम इसमें, सभी जानते हैं आप लोग, जीरा डालेंगे। तो मैं आपको एक स्पून दिखा रही हूँ, ये 1/2 टेबल स्पून है, 1/2 टेबल स्पून। तो इसमें हम समझ सकते हैं आप, 1 छोटा चम्मच जीरा डलेगा इसमें। जीरा क्रैकल की आवाज़ आने लगे उसमें, तो फिर आप इसमें जो आपने मसाला पीसा था मिक्सी में, जिसका पेस्ट बनाया था, उसको आप कुकर में डाल देंगे और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें मैं साथ ही साथ वो अपना खास प्रोडक्ट जो बता रही थी, जिससे हमारी रेसिपी में ट्विस्ट आएगा, वो डाल देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर मिक्सी से सारा मसाला निकाल के डाल रही हूँ और इसमें हम खसखस डालेंगे। खसखस से बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, ये बहुत ही हेल्दी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें हम ये 1/2 टीस्पून, समझ लीजिए 1 टेबलस्पून के करीब, हम इसमें पॉपी सीड का पाउडर डाल सकते हैं। कुछ लोग इसे पोस्तू बोलते हैं, कुछ लोग इसे खसखस बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो इसको भी आप अच्छे से इसमें भून लें। इसे चाहे तो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, मतलब मिक्सी पहले से भिगो दें, फिर मिक्सी चला लें, पीस लें और फिर उसका पेस्ट डाल दें, पर मैंने इसको पाउडर के फॉर्म में डाला है। मैंने ये टमाटर रफली चॉप किए हुए हैं, जब तक हमारा वो मसाला भून रहा है तब तक हम टमाटर को पीस लेते हैं। तो ये गए मेरे टमाटर ग्राइंडर के अंदर। मैंने इसको कभी लाल टमाटर का स्मूथ पेस्ट बना लिया है, और जो भी आप ग्रेवी बनाए उसमें लाल टमाटर का ही यूज़ करें। तो प्यूरी हमारी रेडी होने ही वाली है, बस प्यूरी हमारी रेडी हो गई है।
देख लेते हैं कि कैसी प्यूरी हुई है, बहुत स्मूथ प्यूरी बन गई है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले सूखे मसाले, वैसे तो आप सभी लोगों को कुकिंग आती होगी, पर मैं किस स्टाइल में बनाती हूँ सुबह की जल्दी जल्दी वाली लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत तरह से मटर पनीर बनता है, कढ़ाई में मटर पनीर बनता है, तल के मटर पनीर बनता है, पर इसमें अभी धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। अभी दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, और कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच। इसमें मैं कश्मीरी कसूरी मेथी भी ऐड करूंगी। तो इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, जितना आपके हाथ में आ जाए, तीन उंगलियों में। इसको चाहे तो आप रेसिपी बनाने के बाद भी, पूरी डिश बनाने के बाद भी डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली ऑन योर चॉइस कि आपको कैसा पसंद है। मेरे को तो कुक हुई हुई सूजी वो कसूरी मेथी पसंद ज़्यादा आती है। फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं टमाटर और इसका मिक्सचर पूरा मिक्स कर रही हूँ, और कैमरा मैंने एक्चुअली यहाँ साइड में रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है कि इसके अंदर कैसा, मतलब हमारा कुकर के अंदर सब कुछ कुक हो रहा है। तो अब इसमें मैं कुछ ही वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भी पूरा रेसिपी में डाल रही हूँ, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसको चला लेंगे अच्छे से। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो रही है थोड़ा बोलने में या स्पीड में, या आप देख रहे होंगे इसमें खूब सारे ऑयल दिख रहा है, लेकिन ऑयल नहीं है, ये सारा टमाटो की प्यूरी में कुक हो रहा है। आपको पता ही है ऑयल तो बहुत कम डाला था, अब इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इस पर हम ढक्कन लगा देंगे, गैस को कम कर देंगे और उसको 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो मैं बता रही हूँ इसमें कि इतना टाइम लगेगा इसमें। अब इसके बाद कुकर का ढक्कन खोलिए और चेक करिए कैसी हुई है रेसिपी अभी हमारी। देखिए थोड़ा सा टमाटर कुक हो चुका है, रेसिपी का कलर बहुत सुंदर आ रहा है हमारी। अब इसे फिर से थोड़ी देर के लिए और ढक करके कुक करेंगे। ढकने से ये होता है कि जो हम खाना बनाते हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, मतलब गैस की तो बचत होती है इसमें। तो फिर से चेक कर रही हूँ मैं इसमें कैसी हुई है। अब देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा ड्राई होता जा रहा है, ये देखिए अब मसाला हमारा ड्राई हो गया है। कुछ लोग इसमें पनीर को कच्चा यूज़ करते हैं, जैसे रेसिपी आपने पूरी बना ली अपनी ग्रेवी और उसके बाद आपने कच्चा पनीर डाल दिया, लेकिन मैं यहाँ पर कच्चा पनीर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली मुझको कुक हुआ हुआ पनीर ही पसंद है, मुझे एकदम रॉ पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं हमने, पनीर डाल दिया है हमने, इसको अच्छे से हम चला लेंगे। और मटर पनीर में जैसे आपको पता ही है कि पानी भी डलता है, तो हम इसमें अच्छे से पहले इसको चला लेंगे, क्योंकि मटर को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फ्रोज़न मटर है। तो इसमें हम इसमें एक गिलास से थोड़ा कम पानी डाल देंगे, तो हमें ग्रेवी बहुत पतली भी नहीं रखनी है, बहुत गाढ़ी भी नहीं रखनी है, जिसे रोटी पराठा खाया जा सके वैसा हमें ग्रेवी रखनी है। देखिए अब कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा मिक्सचर, बहुत सुंदर कलर आया है, ये सारा कमाल, कोई रंग नहीं डाला है इसमें, ये सारा कमाल है कश्मीरी लाल मिर्च का और टमाटर का, जो हमने लाल टमाटर इसमें यूज़ किए थे। अब अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। अभी हम इसमें एक चीज़ डालना भूल रहे हैं,
वो है नमक। नमक हमेशा लास्ट में डालना चाहिए क्योंकि इससे हमें पता रहता है कि हमारी रेसिपी की क्वांटिटी कितनी है, और उससे नमक जो है सही पड़ता है। मैं यहाँ पर टाटा सॉल्ट लाइट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है, लेकिन मुझको नमक कम खाना पसंद है। तो इसमें हम नमक डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे। ये हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब इसके में कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें 3 सीटी आने तक इसका वेट करेंगे। फुल गैस पे 3 सीटी लगा लेंगे और उसके बाद गैस को 2 मिनट के लिए सिम रखेंगे। फिर गैस देखिए इसमें सीटी आ रही है, 1 सीटी, 2 सीटी और ये 3 सीटी। तो ये अब हमारी जो रेसिपी थी एकदम बन चुकी है। अब बस ढक्कन खोलने की बारी आ गई है, हवा निकलने तक वेट करें। जब हवा निकल जाए तो इसे कुकर का ढक्कन खोल लीजिए। एक्चुअली जो भी रेसिपी होती है जब ठंडी हो जाती है तो उसका कलर बहुत ही सुंदर आता है। अभी सब्ज़ी हमारी गर्म है लेकिन कलर ग्रेवी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी एकदम कुकर खोला है, हमारी ऐसे दिख रहा है हमारा मटर पनीर। ये बहुत ही पौष्टिक है, जैसे मैंने आपको खसखस के इतने गुण बताए थे, तो मैं कहूँगी आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मैनी पीपल्स ट्राई काजू इन देयर रेसिपी, तो आप इसमें ये भी ट्राई करके देखें एक बार और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अब मैं इसे प्लेटिंग बाउल में निकाल रही हूँ, देखिए कितना सुंदर रंग आया है हमारी सब्ज़ी का, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।